गुड मॉर्निंग यूट्यूब, जय शंकर महाराज। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा बहुत बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल विनोद राजू ब्लॉग में। सो गाइस, अभी मॉर्निंग हो चुका है और ना मैं भी जस्ट उठा हूँ सो के। आज कल ना क्रिकेट खेल रहा था एक दो दिनों से ना, तो पूरा बॉडी पेन कर, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से खेला नहीं। अभी यहाँ पे देखो फोन छेड़ रही है, पता नहीं क्या है इसके दिमाग में चल रहा है अभी। तो वैसे मैं अपने पल साइड वाले रूम में जाने वाला हूँ, ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ एंड उसके बाद जाने वाला हूँ मैं काम पे। लेकिन अब बाहर जाके देखते हैं मौसम कैसा होगा एंड चेक करते हैं। बाकी अपना शॉर्ट्स डाल रही है यूट्यूब में, तो अभी बाहर जाके चेक करते हैं मौसम होगा कैसा। आई थिंक मेरे को लग रहा है कि मौसम है बिल्कुल साफ। अपना मौसम खिला खिला सा साफ रहने लग गया। यस, मौसम है बिल्कुल साफ और हल्की हल्की बादल है बिल्कुल ना। लेकिन इतने में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई। आज भी कल भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मॉर्निंग का व्यू ऐसा है कुछ, और बादल भी है हल्के हल्के आसमान पे, लेकिन धूप भी काफ़ी अच्छी खिली हुई है। सो गाइस, वसंत ऋतु आगमन पे है ना, तो चुली जो होते हैं ना खुमानी वाले, वो फूलना स्टार्ट हो चुके हैं। जब हम लोग यहाँ से दूर दूर देखते हैं नीचे नीचे को ना लोहाइट वाले, तो वहाँ पे फूल गए हैं। यहाँ पे है अराउंड अभी 5-7 दिन की कसर है। और हमारे टाइस को ना कल कुत्तों ने खाया, देखो इसके दोनों कान। अभी हमने दवाई तो लगा दिया फिलहाल इसको। अच्छा, अब टाइसन ना पूरा छटपटा रहा है, अरे से परे परे से। अरे इस बेचारे को पता नहीं क्या हो गया, यहाँ देख सकते हो आप। और अभी ना पूरा खान है, इसको दवाई तो लगाई मैंने, पता नहीं रिकवर करने के लिए कर रहा है। ऐसे लड़े ना, इसके दोनों कान ही कट गए, अंदर से ब्लड ब्लड हो रहा पूरा पूरा। तो चलो ठीक हो जाए, और उम्मीद है कि जल्दी से ठीक हो जाए। तो अभी मैं फिलहाल काम में चला हूँ। और मैंने कल क्रिकेट खेल खेल के मेरे पाँव बहुत दर्द। इस मॉर्निंग लुक कैलाशपति बाबा जी के, यहाँ पे है हमारे श्रीखंड महादेव जी, और अपना कुछ बाजार इस तरह से प्यारा सा मस्त वाला। अब मैं जा रहा हूँ काम की तरफ ना, तो अभी मॉर्निंग का व्यू देख सकते हैं आप। यहाँ से जब भी सुबह उठ के देखते हैं ना, तो यहाँ से श्रीखंड महादेव के दर्शन हो जाते हैं। आज है संडे, तो ना आज है बाजार सुना सुना सा, और शायद आज तो बैंक भी बंद है, शॉप भी बंद है। तो अब देखते हैं, अभी मैं जा रहा हूँ पढ़ना। और ना मेरी पाँव नहीं चल रही है क्रिकेट खेल के ना, कल बॉलिंग बैटिंग कर करके, तो काफ़ी दिनों बाद खेलते ना, तो बॉडी स्टेबल नहीं होती कि एक साइड ही ऐसा काम करो, दिन भर काम करो फिर शाम को जाके खेलो ना। तो बस मैं जा रहा हूँ ऊपर, ऊपर जाके करेंगे ड्रेसअप चेंज, फिर अपना टेंडिंग वेंडिंग का काम। तो फिलहाल अभी ऊपर की तरफ मैं जा रहा हूँ। ये है अपना खूबसूरत सा प्यारा सा छोटा सा गांव, और जिसमें कि सारी सुख सुविधाएं है, नहीं है भी नहीं बोल सकते हैं। तो भी ऊपर जाता हूँ मैं, चलने में चढ़ाई चलने में भी दर्द हो रही बहुत पाँव। आज हम लोग करने वाले हैं सबसे, आप लोगों को बता दूँ अभी मंथ चला है मार्च का, तो अब आप लोगों को पता है कि फ्लावरिंग और वसंत ऋतु आगमन पे है। तो फिलहाल अभी हम लोग बगीचे के सबसे एंड कोने पे हैं, तो इस साइड को पूरा बगीचा शुरू होता है। अभी फिलहाल धूप लगी तो आप लोगों को नजर नहीं आएगा, सूर्य देवता हमारे सीधा ऊपर से आ रहे हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं TSO की स्प्रे, अराउंड अराउंड 30 ड्रम हम लोगों को यहाँ पे स्प्रे करने को है। शाम के लिए हो जाएगा, क्योंकि हमारा मशीन है बहुत तेज, जो कि 10 से 12 मिनट में एक ड्रम फेंक देता है। अभी हम लोग अपना जो मशीन है ना, वहाँ से 500 मीटर ऊपर है, तो एक ही पाइप से हम लोग इतने दूर तक स्प्रे करते हैं। तो फिलहाल अभी मेरा छोटा भाई ऊपर है, वो नोजल पकड़ के बैठा हुआ है, और हम लोग हैं यहाँ पे। तो अभी देख सकते हो सूर्य देवता भी इधर से आ रहे हैं। मौसम बोलूँ बिल्कुल मस्त है, गर्मी आने वाली है मस्त करके, और बर्ड्स भी फटने शुरू हो गए ना। इधर जो चुल्ली खुमानी वाले होते हैं वो सब भी फ्लावरिंग हो चुकी है। तो फिलहाल अभी हम लोगों का काम है यहाँ से स्प्रे करना। तो तीन भाई लोग हैं हम लोग, कुछ पाइप खींचेंगे, कुछ स्प्रे करेंगे, कुछ गन पकड़ेंगे नीडल। तो बस कुछ इस तरह से अपना काम होगा, और मैं आप लोगों को अभी व्यू का नज़ारा दिखाता हूँ। आपको एक जन्नत होता है कि पहाड़ों के टॉप में रहने का, तो आप लोग आनंद करते होंगे, हम लोग भी बहुत आनंद करते हैं। तो गाइस कुछ इस तरह से चेक करो आप, ये है हमारा बगीचा इस साइड जितना भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा, और ये पश्चिम साइड का व्यू है जो किस इस तरह से नज़र आ रहा है, देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारा है। और इस साइड को है घना सा जंगल, और यहाँ पे है हमारा लास्ट बगीचे का एंडिंग, और यहाँ से हमारा बगीचा शुरू होता है। नीचे रोड है 500 मीटर दूर। हम लोग ना पेस्टिंग पुस्टिंग करके क्लोजिंग एंड वक्त पे है, देख सकते हो आप लोग। अभी अब रंग बिरंगे पेड़ हो चुके हैं इस तरह से, तो एक दो दिन का हमारा पेस्टिंग भी बचा था। तो आप लोगों को पता है मैं काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं डाल रहा था, क्योंकि मैंने आप लोगों को पेस्टिंग वाला भी दिखा दिया था। मैंने सोचा फिर अगर एक्स्ट्रा कुछ बार बार यही दिखाते रहूँ तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो आज हम लोग कर रहे हैं स्प्रे, तो अभी देखते हैं मज़ा आएगा गन से करने का। पूरे 1 ईयर के बाद हम लोग, 1 ईयर नहीं शायद 5-6 मंथ के बाद कर रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट अक्टूबर में किया था, वो भी जहर का किया था, क्योंकि फूल जब पहले बहुत ज़्यादा लग चुका था आफ्टर जो पीछे का ईयर था उसमें। तो बस अभी हम लोग करते हैं स्प्रे बिना देरी से, और अभी बस गन में स्प्रे आने वाला है, क्योंकि अभी कॉल करते हैं फिर स्प्रे में दवाई आनी शुरू हो जाएगी। भाई स्प्रे के बाद कुछ पेड़ों की खूबसूरती ऐसी हो जाती है। फिलहाल अभी हम लोग कर रहे हैं TSO, और प्रॉपर हम लोगों ने भिगा दिया है। सूर्य की सनलाइट किरने भी हमारी
नजर में आ रही है बिल्कुल पास, और देख सकते हो आप बिल्कुल मस्त करके हमारी हो रही है स्प्रे। हमारा एक कोना है ना लास्ट बगीचे का, ये चेक करिए आप, प्रॉपर सनलाइट के साथ। फिलहाल मैं हूँ अभी खेत में, और देख सकते हो आप लोग, हम लोगों ने पेस्टिंग करने के बाद ना यहाँ पे छींटे भी उठाना शुरू कर दिया है, और ऐसे ऐसे कुछ ढेरी अब नहीं है, कुछ को हम जलाएंगे, कुछ को यहाँ से बाहर की तरफ जंगल की तरफ ले जाएंगे। और हरियाली भी देख सकते हो आप, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा आ चुकी है। फिलहाल आज हम लगा रहे हैं पाल्टियाँ, देख सकते हो भैया अरे रेडी है पाल्टियाँ लगाने के लिए। तो आज हम लगा रहे हैं रूट 11M99 की पाल्टियाँ। तो अभी देखते हैं, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को किस प्रोसीजर से हम लोग लगा रहे हैं। तो फिलहाल अभी मैं भी आया हूँ ना, अभी मैं टाइसन, आप लोगों को बताया कि टाइसन को कुत्ते, उन्होंने कुत्तों ने खाया था ना, उसको इंजेक्शन लगाना था आज लास्ट। तो अभी मैं थोड़ा लेट आया हूँ क्योंकि डॉक्टर के पास उसको ले जाना था। तो फिलहाल मैं भी आप लोगों को ले चलता हूँ अपना पाल्टी लगाने के प्रोसीजर में। तो ये पाल्टियाँ हैं, और ये कुछ हमने घोल बनाया हुआ है यहाँ पे, और ये सब तो मैं आप लोगों को, मैं केमिकल है इसमें, केमिकल भी नहीं बोल सकते। ये देख सकते हो आप इनकी रूट्स, और छोटी सी पाल्टियाँ हैं 1.5 फुट के करीब। इसमें हम डालेंगे गोबर, देख सकते हो आप, और गोबर ऑलमोस्ट इतना एक डाला है हम लोगों ने हर पौधे में। और सेरेलाइजर है यहाँ पे इसमें, तो ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो, ये है सेरेलाइजर। तो जहाँ हम लोगों ने रूट लगाना है ना यहाँ पे, तो हम इसके अंदर कुछ इस तरह से डालेंगे, और एक रूट निकालेंगे हम यहाँ से जो हमने इसमें घोल बना के रखा हुआ है, और इसकी ब्रांचेस भी देख सकते हैं। अब हम इसमें मिट्टी भरने का काम करेंगे, तो हमारे भैया लोग मिट्टी भरने वाले हैं, ये अब यहाँ पे हैं। तो अब पहले हम इसको मिट्टी भरेंगे, और इसको प्रॉपर तरीके से लगाएंगे यहाँ पे हम, यहाँ देख सकते हो भैया वाले बिल्कुल रेडी है। चलिए भैया जी भरिए। तो गाइस देख सकते हो आप, हम लोगों ने लगा दिया ना इसको, इसकी हाइट बहुत छोटी है, बट इसको देखना आप, नेक्स्ट ईयर हम लोग, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कि नेक्स्ट ईयर ये कितनी बड़ी हो जाएगी। हम लोगों ने आज से 2 साल पहले भी लगाए हैं। तो ये है कुछ पाल्टियों के, ये पाल्टी देख सकते हो आप जो अभी हम लगा रहे हैं, ये सेम वही पाल्टी है। इनकी ग्रोथ देख सकते हो आप यहाँ पे, और हाइट चेक करें आप, ये हर पाल्टी ऐसी है। ये देखो आप इसमें ग्रोथ, ये एक साल की पाल्टी है, देखो कितनी मोटी है, कुछ इस तरह से हो जाती है। सो गाइस कुछ इस तरह से काम करते रहते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, थोड़ा बहुत प्रकृति का संतुलन, और बस हम लोग कुछ इस तरह से घोल बनाए हुए हैं। बाकी अब ले जाता हूँ और करते हैं भैया लोगों के साथ काम शुरू। और काफ़ी हम लोगों ने कर दिया है, अभी हमारे को छींटे साफ करने को, पेस्टिंग कर दिया हम लोगों ने, देख सकते हो पेड़ बहुत ज़्यादा और मस्त चमक रहे हैं। बाकी अभी काम करते हैं, और जाता हूँ भैया लोगों के साथ, कम से कम 50-100 लगाने की कोशिश करते हैं आज भी। अराउंड 2 वीक से वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है बहुत ज़्यादा काम में बिजी था इस टाइम पे। तो अभी ऑलमोस्ट 50% हम लोगों ने वर्क कर लिया है, लेकिन आप लोगों को पता है आप लोग मिस भी कर रहे होंगे, और बहुत सारे वीडियोज़ मैंने डालने की आपके लिए बोला था, लेकिन अब कंटिन्यू फिर से वीडियोस आएगी। और बस आजकल काम में बिजी था ना, देखो हाथ उठ, आजकल अभी बस अभी हम लोग खाना खुना खा के रूम पे आए हैं, सोने की तैयारी है, और बस ये भी सोने की तैयारी पे है। बस आजकल कुछ इस तरह से काम चला हुआ है अपना, और बस अब फ्लावरिंग प्रूनिंग होने के बाद स्पाई जो काम होता है ना खेतों में, पौधे वौधे लगाना, वो सब में चला हुआ था काम, लेकिन अब समय आ चुका है फ्लावरिंग होने का, पत्ते आने का। तो अब सब पेड़ों में चल पड़ा है, तो अब जल्दी ही जल्दी पेड़ों में बिल्कुल हरियाली आ जाएगी, और हरियाली बसंत ऋतु के साथ बिल्कुल मस्त होगी। तो बाकी कुछ नहीं, आजकल इतना ही हमारा काम चला हुआ है बहुत ज़ोरों शोरों पे, तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं ना, सुबह जाते शाम को आते, सुबह जाते शाम को आते, टाइम ही नहीं मिल रहा था। और आप लोगों को पता है डेली वही चीज़ मैं क्या दिखाऊँ आप लोगों के लिए, लेकिन मैंने छोटा सा पार्ट बनाया है, वो आप लोग देख लो और कैसा लगता है, आप लोगों ने पीछे भी देख लिया होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो विनोद राजू को फिर से मत भूलना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। फिर से मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय शंकर महाराज, हर हर महादेव।